देखिए, जब काले बादल छटते हैं ना, तो सुनहरी धूप का आनंद लेने में जो मजा आता है कि पूछे ही नहीं। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही है हमारी अनुपमा। जी हाँ, लाइफ में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, लेकिन आज मुस्कुरा रही है दिल से अनुपमा, क्योंकि समर और नंदिनी की सगाई का जो मौका है। अब अनुपमा को खूब सारी खुशियाँ देखने मिलेगी कि क्योंकि उसके सबसे लाडले बेटे इस समर की आज सगाई जो हो रही है। इस समर नंदिनी की सगाई में आज जरा सबको देखिए, इनके कपड़ों के रंगों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि आज ये सगाई में शांति का पैगाम दे रही हैं, क्योंकि सफेद रंग तो शांति का ही होता है ना। तलाक हो गया है, जितना भी कलेश होना था वो अब हो चुका है। अब सगाई में इन नो कलेश, केवल नाच गाना, धूम धड़ाका और हाँ, हंसी मजाक ही होगा। अनुपमा की साड़ी, वनराज की शेरवानी, काव्या का स्टाइल और हाँ, जरा लड़का लड़की को भी देखिए। आज इन सब ने बड़ी फुर्सत से तैयारी की है। अब घर के छोटे बेटे की सगाई है, तो ऐसे में इस सबको अच्छे से तैयार होना ही था। जो हमारे जितने भी सबके लुक्स हैं, इसमें हमारा इनपुट रत्ती भर भी नहीं होता। लिपस्टिक से लेके मांग टीका लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, जो पहनना है, ज्वेलरी मानसी मनोज जी के यहाँ से आती है, निशा बेदी कॉस्ट्यूम्स बेचती हैं, बट सब कुछ डिसाइड करती हैं हमारी किट की, जो थीम उसने चुना है। फंक्शन का थीम क्या होगा, किसके लुक्स क्या रहेंगे, किसके कॉम्बिनेशन, जैसे मेरा ये गोल्ड है, पिंक है, सो किसी और का गोल्ड और ब्लू है, सो आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ फिरोजी और द ज्वेलरी। एवरीबडी इज़ ड्रेस्ड इन वाइट, लिटिल बिट ऑफ पिंक, बट मैं और वनराज हम दोनों वाइट एंड अ टिंच ऑफ ब्लू में ड्रेस्ड हैं, तो इट्स अ ब्यूटिफुल थीम एंड आई लव दिस पीस ऑफ ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग। थैंक यू टू माई स्टाइलिस्ट फॉर फाइंडिंग दिस ऑन सच शॉर्ट नोटिस। इट्स ब्यूटिफुल, इंडियन है बट एट द सेम टाइम एथनिक भी है, तो बहुत ही अलग है। दैट्स व्हाई आई केप्ट द इयररिंग्स वेरी सिंपल, बिकॉज गले में इतना हैवी मैंने पहना हुआ है। द सीन सीक्वेंस, ये जो है शेरवानी मेरी भाभी ने मुझे भेजी, इसलिए मैंने खुशी खुशी पहन ली। थीम है वाइट एंड वी बोथ आर लाइक इन पिंक, द ब्राइड एंड द ग्रूम, तो क्या इट्स अ वेरी नाइस एलिगेंट लहंगा, वेरी वेरी है ना। या ज्वेलरी लाइक अ मांग टीका व्हिच इज मेड आउट ऑफ कुंदन, इयररिंग्स, अ नेक पीस एंड बैंगल्स। तोशु की सगाई में अनुपमा और वनराज पति पत्नी थे, लेकिन आज समर की सगाई में ये दोनों अलग हो चुके हैं। काव्या को जरा देखिए, जो वनराज का हाथ छोड़ ही नहीं रही है। लगता है उसे अभी भी डर है अनुपमा से। उसे लगता होगा कि वनराज को अभी भी अनुपमा कहीं छीन ना ले। अब काव्या, जो होना था वो तो हो गया, और जो हुआ है वो आपकी वजह से ही हुआ है, तो अब कोई भी गड़बड़ी मत करना, क्योंकि अनुपमा अब अपनी जिंदगी में शांति चाहती है, क्योंकि इस सगाई में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, और हमेशा की तरह इस बार भी अनुपमा को ही ब्लेम किया जाएगा। नेहा सावंत के साथ रुजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।